हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 जून 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। तो जो पहला आर्टिकल है वो है लिब्रा के बारे में। क्या है लिब्रा वो हम देखते हैं। देखो, लिब्रा है ना, वो एक डिजिटल करेंसी है जो कि लॉन्च की गई है फेसबुक के द्वारा। तो ये फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि लिब्रा एक डिजिटल करेंसी है, फेसबुक के द्वारा जारी है, वो की गई है। अब रीजन क्या है, देखो आपको पता है कि फेसबुक के और काफ़ी सारे मतलब वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती है। आपने जब फेसबुक ओपन किया तो देखा होगा वहाँ पे काफ़ी तरह के एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहे होते हैं और वो सारे पेड भी होते हैं। तो उन सब के पेमेंट के लिए ही बेसिकली ये उन्होंने खुद का अपना एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वो जारी की है, जो कि मेनली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड लिंक है वो होगी। इसी के साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सिक्योरिटी सिस्टम है वो रखा गया है, और वो आपको ध्यान में रखना है कौन सी, बिटकॉइन। देखिए, बिटकॉइन में क्या था, बिटकॉइन आपको पता है क्रिप्टो करेंसी थी, तो उसी तरह लिब्रा है वो भी फेसबुक की एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का ही एक टाइप है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जो कि मोर सिक्योर है वो होगा। इसके साथ इसमें जैसे और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो लिब्रा है वो बेसिकली फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे कि इधर पेपाल हुआ, वीजा हुआ, मास्टर कार्ड, इनके साथ लिंक है वो रहेगा, और मतलब काफ़ी सारे इसमें पेमेंट के ऑप्शन वो रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बस ये कि लिब्रा है वो एक फेसबुक के द्वारा जारी की एक डिजिटल करेंसी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है बैक टू विलेज प्रोग्राम। कंटेक्स्ट ये है न्यूज में जो भी आया वो, कि भाई एक जो प्रोग्राम है बैक टू विलेज प्रोग्राम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट है, वो क्या गया है गवर्नमेंट के द्वारा। होगा क्या इस बैक टू विलेज प्रोग्राम में, थोड़ा देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बैक टू विलेज मतलब गांव की तरफ हमें जाने की बात यहाँ पे की गई है। देखो, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो जो वहाँ पे पंचायत है, लगभग बात करें जम्मू एंड कश्मीर में 4,483 ग्राम पंचायत हैं, तो उन ग्राम पंचायत में जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं या जो भी वहाँ के प्रशासकीय अधिकारी हैं और गजेटेड ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो गांव में या पंचायत समिति मतलब पंचायत लेवल पे जाएंगे और वहाँ पे ग्रास रूट लेवल से लोगों से, जनरल पब्लिक से फीडबैक है वो लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है, ग्राउंड पे किस तरीके की स्कीम्स मतलब इम्प्लीमेंट हो रही है, वहाँ पे क्या क्या कमी है, स्कीम में कौन कौन से नए चीज़ों को ऐड करना है, और जनता का कैसा रिस्पॉन्स है, जनता को स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, जनता की क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ लीकेज है, इन सब चीज़ों को फोकस यहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो आम जनता हो गई है उनसे कनेक्ट है वो अधिकारियों को किया जाएगा और उनसे फीडबैक कलेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ ही जो एक गजेटेड ऑफिसर है उसको डेवलप मतलब उसको डिप्लॉय किया जाएगा एज ए नोडल ऑफिसर हर ग्राम पंचायत में। मतलब हर ग्राम पंचायत है उसके ऊपर एक गजेटेड ऑफिसर है वो डिप्लॉय किया जाएगा, और उसका काम होगा सबको मॉनिटर करना कि भाई किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पंचायत के मेंबर्स हो गए हैं इनके साथ इंटरेक्ट किया जाएगा, जनरल पब्लिक है उसको फीडबैक लेके ये देखा जाएगा कि भाई स्कीम वगैरह में कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उसका सोल्यूशन लिया जा सकता है। तो ये इसका मेन मोटो है बैक टू विलेज प्रोग्राम। किसके लिए है, ओब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर के लिए जारी हो। क्या गया होगा क्या, जो पंचायत है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सनस हैं वो ग्रास रूट लेवल पे जाके आम जनता से फीडबैक कलेक्ट करेंगी, और उसके बाद में आगे रिपोर्ट्स है वो दी जाएंगी, और वहाँ पे जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर डेवलपमेंट के जो एफर्ट्स हैं रूरल एरिया में या फिर जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब घूम फिर के बात ये आती है कि भाई जो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब से निपटने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि भाई स्कीम का जो बेनिफिट है वो आम जनता को मिल सके, इसके लिए हमें स्टेप है वो उठाने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है समर सोलस्टिस को लेके। इस बार यूपीएससी ने 2019 में इस पर क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में, तो वो आपको खैर ध्यान ही होगा। देखो, समर सोलस्टिस का मतलब क्या है, सबसे पहली अगर हम बात करें समर सोलस्टिस, आपको पता है कि समर सोलस्टिस है वो हर साल 21 जून को मेनली होता है। होता है कि आपको पता है कि 21 जून को नॉर्दर्न एमोस्फेयर में बात करें या फिर हम बोल करें नॉर्दर्न जो गोलार्ध है उसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं कि उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्टली यहाँ पे पोल पे सीधी पड़ेंगी, मतलब आपको पता है कि अर्थ है वो 23 और 4 डिग्री है, वो टिल्ट है झुकाव। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल अर्थ का जो हिस्सा वो ऐसे होना चाहिए, बट अर्थ है वो थोड़ी टिल्ट हुई है, तो इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी है अर्थ। तो इसलिए आप देखोगे कि 23 जून को, सॉरी 21 जून को होगा क्या, सनलाइट है वो ऐसे सीधी आएंगी। आप देखो इधर सनलाइट अगर सीधी गिरेंगी तो कहाँ पे जाएंगी सीधी, ओब्वियसली यहाँ पे आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है उस पर सनलाइट सीधी गिरेगी। तो सनलाइट सीधी गिरेगी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे दिन है वो लंबा होगा, और जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है कि जो मकर रेखा वाला हिस्सा है यहाँ पे, यहाँ पे सूर्य किरणें वो तिरछी रहेंगी, थोड़ी सीधी नहीं आएंगी,
तो सी दिन यंग इसका क्या होगा, मतलब यहाँ पे दिन छोटा हो जाएगा, रात लंबी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समर सोल्स्टिस में क्या होता है कि जो सदर्न एमोस्फियर है वहाँ पे तो दिन, जो सॉरी रात है वो लंबी होती है, और नॉर्दर्न एमोस्फियर में दिन है वो सबसे बड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस बार यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो इफेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें विंटर सोल्स्टिस की तो वो कब होता है, देखो विंटर सोल्स्टिस ऑब्वियसली होता है दिसंबर के टाइम पे, और उस टाइम पे सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती हैं, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन है यहाँ पे सीधी गिरती हैं। तो इस वाले हिस्से में यानी साउदर्न जो हेमिस्फीयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे तो क्या होगा, दिन बड़ा हो जाएगा। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें या फिर जो हम बात करें यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला हिस्सा है, कर्क रेखा वाला, यहाँ पे रात है वो सबसे लंबी होती है। तो विंटर्स में ये होता है कि हमारे रात बड़ी होती है और वहाँ पे दिन है वो बड़ा होता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखना है। तो अभी कल ही था जो समर सोल्स्टिस, तो इसको बारे में हमें ध्यान में रखना है कि समर सोल्स्टिस कब होता है। ये फैक्ट की बार यूपीएससी ने इस बार पूछा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पर वरुणास्त्रा ट्रोपिड ट्रोपाइड के बारे में। तो क्या है ट्रोपिड, सॉरी टॉर्पिडो, तो क्या है वरुणास्त्रा टॉर्पिडो। देखो टॉर्पिडो है ना, वो वाले शिप के अंदर एक मिसाइल तरह का एक उपकरण है वो होता है। तो जब भी कोई दूसरी मतलब शिप, एक शिप है वो दूसरी शिप हो या सबमरीन पे अटैक करते हैं तो टॉर्पिडो का यूज किया जाता है। टॉर्पिडो क्या है, एक तरह की एक मिसाइल टाइप की एक चीज़ है जो कि शिप वगैरह में या फिर हम बात करें जो अंडर वाटर वेपन्स है उनमें यूज है वो की जाती है। ये देखो बेसिकली अभी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसको इंडियन नेवी के द्वारा भी यूज़ है वो किया जाना है। इसके लिए जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है उसने अभी मतलब एग्रीमेंट किया कि भाई इंडियन नेवी को ये प्रोवाइड है वो की जाएंगे। तो कंटेक्स तो कुछ ये था। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि वरुणास्त्र टॉर्पिडो है क्या। देखो यह शिप लॉन्च मतलब एक जहाज है उसके द्वारा लॉन्च की जा सकती है। इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा इसको मतलब एक तरीके से पंप है या सर्कुलेट है वो किया जाता है। अंडर वाटर वेपन है, ठीक है, मोस्ट एडवांस है, ऑटोमेटिक है, रिमोट कंट्रोल गाइडेड सिस्टम है। ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा ओनली टॉर्पीडो है जो कि जीपीएस बेस्ड लोकेशन को ऐड है वो कर लेता है, मतलब यह जीपीएस बेस्ड पे काम है वो करता है, एकमात्र ऐसा टॉर्पीडो है। इसकी रेंज है वो होती है 40 किलोमीटर तक, और ये जो वार हेड ले जाने की कैपेसिटी है वो होती है 250, यानी कि 250 किलो तक का जो वार हेड है, बारूद वगैरह है, वो 40 किलोमीटर तक की रेंज तक यह लेके जा सकती है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, यह डेवलप किया गया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NTLS जो कि कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। इसी के साथ ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कहाँ पे, हैदराबाद में, इन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो अभी इंडियन नेवी के लिए इसको ओपन किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ऑपरेशन संकल्प के बारे में। ऑपरेशन संकल्प देखो यह इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन संकल्प है उसको अभी अंजाम है वो देने की बात की गई है, इसको लेके न्यूज़ में आया है। हुआ क्या, पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ के बारे में लोकेशन देखी थी, खैर मैं अभी मैं पैड करना यहाँ पे भूल गया। तो पर्सियन गल्फ और जो गल्फ ऑफ ओमान वाला हिस्सा है जहाँ से आपको पता है कि वर्ल्ड का मैक्सिमम जो ऑयल का ट्रेड है वो होता है उस रास्ते से, और वहाँ पे क्या हुआ था, अभी थोड़ी टेंशन आ गई थी कि वहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे दो जो ऑयल के टैंकर थे ना उन पे अटैक कर दिया गया था लास्ट टाइम पे, अभी 5-10 दिन पहले ही, तो इसलिए थोड़ी टेंशन फैल गई। तो अभी क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी को कह के ये ऑपरेशन चलाया कि भाई उस वाले एरिया में यानी कि गल्फ ऑफ ओमान और जो गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ है इन दोनों एरिया में जो भी इंडिया की शिप है फ्ले मतलब इंडियन जो वेसल्स हैं उनको सक्सेसफुल या सावधानीपूर्वक वापस है वो इधर लेक सिक्योरिटी की तरफ लेके आ जाएंगे, मतलब वहाँ से उनको सक्सेसफुली निकाला जा सके। इसके लिए ओकलेज जो ऑपरेशन संकल्प है उसको अंजाम दिया गया है। तो किस लिए आया है, आपको ध्यान रखना है कि भाई जो गल्फ ऑफ ओमान वाले एरिया में टेंशन है तो वहाँ से जो इंडियन जो वेसल्स हैं इनको सक्सेसफुली बाहर निकालने के लिए मेरीटाइम के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज NABCB है क्या। पहले तो न्यूज़ देखते हैं, कंटेक्स्ट या न्यूज़ वो ये आई है कि नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज है ना जो कि इंडिया की एक नेशनल एक्रीडेशन बॉडी है। एक्रीडेशन का मतलब होता है मान्यता। देखो कोई भी संस्था हो उसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट से मान्यता लेनी होती है, तो जो बॉडी मान्यता देती है गवर्नमेंट की तरफ से उसका नाम है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज NABCB। तो उसने अभी एक एग्रीमेंट या बात कर सकती है एक तरीके का प्रोटोटाइप साइन किया है किसके साथ, एशिया पैसिफिक एक्रीडेशन कॉरपोरेशन के साथ। तो ये एक तो कंटेक्स्ट आपको फैक्ट है ध्यान में रखना है, और ये एक स्टैंडर्ड्स है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है कि उसका नाम क्या है, ISO IEC 17024।
जिस तरीके से आपने कई बार देखा होगा ना कि ISO 9000 द्वारा ये सर्टिफाइड है, ऐसे आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी। तो मतलब एक तरीके के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इन जो इंडिया पे सॉरी जो एशिया पेसिफिक वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट है इनको मान्यता वगैरह देनी हो तो उसके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसका नाम है ISO IEC। तो अभी इसके तहत है, गवर्नमेंट ने इसको मतलब वैलिड कर दे दिया है। अब गवर्नमेंट है वो खुद भी इस स्टैंडर्ड के मुताबिक है गाइडलाइंस को फुलफिल करेगी, और जो इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं या बाहर के इंस्टीट्यूट जो मान्यता प्राप्त करेंगे इंडिया से उनको मान्यता दी जाएगी। तो वहाँ पे एक म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट है वो साइन किया गया है। तो ये हुआ है कंटेक्स्ट यहाँ पे। अब थोड़ा और फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं नेशनल एक्रीडेशन बॉडीज के बारे में क्या है। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ये एक क्या है, कॉन्स्टेंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी हम बात करें हमारे देश में किसी भी बॉडी को मान्यता देनी हो तो वो दी जाती है NABCB, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज के द्वारा, जो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, ऑब्वियसली कॉमर्स मंत्रालय के अंतर्गत ही है आता है। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये हमारे देश में जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं इनको मान्यता हो देनी हो या फिर उनको कोई सर्टिफिकेट देना है हो, उनकी इंस्पेक्शन वगैरह करनी हो, ये सारे रूल गाइडेंस हैं वो इसके द्वारा जारी की जाती हैं। इसी के साथ ही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी ये टाइम टू टाइम इवेल्युएट करती है और उनको भी शामिल है वो करती रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है NABCB के बारे में। तो ये थी देखो आज की हमारी न्यूज़। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आज हमने लिब्रा के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक डिजिटल करेंसी है फेसबुक के द्वारा, तो ये हमने देखा। इसके साथ ही हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया है ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे फीडबैक क्लियर किया जाएगा आम जनता से, स्कीम वगैरह और भी जो प्रोग्राम है उनके लिए। फिर हमने समर सोलस्टिस के बारे में जाना कि समर सोलस्टिस में क्या होता है, 21 जून को जो सन मतलब सन की लाइट जो रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पे गिरती हैं, तो यहाँ पे दिन सबसे लंबा होता है और इस वाले एरिया में रात सबसे छोटी होगी। इसके साथ ही हमने यहाँ पे वरुणास्त्र टोरपीडो के बारे में जाना, जो कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, और इम्पोर्टेंट सबसे फैक्ट ये है इसका कि यह एक वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा टोरपीडो है जो कि GPS बेस्ड लोकेटिंग एडगो यूज है वो करता है। इसी के साथ हमने ऑपरेशन संकल्प के बारे में जाना कि गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ में इंडियन वेसल्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू बाहर निकालने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ हमने नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया और एशिया पेसिफिक एक्रीडेशन कॉरपोरेशन के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट न्यूज़। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।